रिकवरी भी अल्टरनेट डेज पर ही होगा, रिकवरी डेली है ना, रिकवरी शाम में डेली है, तुमने देखा होगा टाइम टेबल। सब्जेक्ट चेंज होगा ना सर, क्या होगा? अलग अलग सब्जेक्ट। हाँ अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ, ऐसे रहेगा। और जो नए बच्चे हैं वो रिकवरी पे ध्यान दें और प्लस ये क्लास भी अटेंड करें, ये मिस नहीं करना है। रिकवरी में ये भी ले लेंगे, कैलकुलस तक पढ़ाएंगे रिकवरी में, बट ये भी ध्यान दें। सर रिकवरी में उतने डेप्थ में सिखाओ गया फिर, मतलब ऊपर से ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब इतना सिखाएंगे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। जो नए बच्चे हैं उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। बच्चों चेन रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार बस बता देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई का सपोज जेड के रेस्पेक्ट में पता है, पहले जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन जेड का एक्स। लेकिन अगर सपोज ये भी नहीं पता, ये भी हमें नहीं निकालने आता, ये भी कोई फॉर्मूला पे सेट नहीं हो रहा है, सो व्हाट वी विल डू, ये तो निकाल लिया और जेड का एक्स नहीं किसी तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, सपोज डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पता है और फिर W को X के रेस्पेक्ट में, और ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें पूरा सॉल्व ना हो जाए। बच्चे यहाँ पे ही स्ट्रगल करते हैं चेन रूल में थोड़ा सा, हालांकि मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं अब एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अगर सपोज y इक्वल टू e टू द पावर साइन क्यूब x ले लिया है ना, सो इसमें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि ये किस फॉर्मेट पे है। सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, तो देखो e टू द पावर समथिंग है, ये कह सकते हैं ये साइन क्यूब का फंक्शन है, e टू द पावर साइन क्यूब x निकालना है, e टू द पावर x वाला फंक्शन, इसको याद करो, इधर मिटा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला देखो, इसमें फिट बैठाना है। तो पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे खुद से निकालें, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो यहां पे ध्यान दें। इस फॉर्मेट पे बैठा लिया x, तो यहां भी x, यहां पे साइन क्यूब x, तो यहां भी साइन क्यूब x। अब क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बट ये भी नहीं पता है। नाउ ये किस फॉर्मेट पे है, देखो ये क्या है, साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स टू द पावर थ्री है, एक्स टू द पावर एन, सेम थिंग। तो ये इस फॉर्मेट पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मेट पे, x का पावर n x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन x का पावर समथिंग, तो किसके रेस्पेक्ट में, साइन x के रेस्पेक्ट में, एंड देन साइन x को x के रेस्पेक्ट में। देखो अब ये भी आता है, सो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर साइन क्यूब x इंटू 3x square, 3 into x square, नहीं 3 sin x square, sorry
साइन एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों एक सवाल क्लियर हो गया ना तो ये चेन रूल एकदम से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक सवाल क्लियर हो गया, यही अगर तो समझ में आ गया। वीडियो का रहा है ब्लॉक हो गया है अजय पाटिल का, सर वीडियो ब्लॉक हो गया है आप, क्लियर है सर? किसी का ब्लॉक है क्या सर? विल यू रिपीट वंस मोर, वेदांत ना का क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर, गुड, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, गुड गुड, ठीक है चलो। सो अजय शायद तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम होगा, देख लो, हर्षल ने भी बताया, यश ने बताया वीडियो, अच्छा यश ने बताया सर वीडियो ब्लॉक आ रहा है, लेकिन बाकी सब बता रहे हैं क्लियर है, बीच बीच में ऐसा हो रहा है। मॉर्निंग वाला लेक्चर सही चलता है और 10 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है। ओके बच्चों, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, कल की टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे। जरूर जरूर कर लेंगे। अच्छा उसमें यदनेश ने भी बताया वो 2-3 आंसर्स में क्या होता है गलत आंसर्स ट्रिक हो गया है, क्वेश्चन सही थे तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया था 7, 14 एंड शायद 18 यदनेश ने बताया था, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, कुछ बच्चों को करेक्ट आया होगा जो थोड़ा लेट दिया होगा। वही आंसर दे रहा हूँ, नहीं था सर, वही थे हमने जो। साक्षी टेस्ट पेपर तुम सेव कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा ना टेस्ट का भी आइडिया देता हूँ, टेस्ट पेपर का कैसे देखते हैं, कुछ बच्चे अभी आइडिया नहीं होगा, बच्चों जो पुराने बच्चे हैं उनको सबको मैंने लॉगिन आईडी भेजा है, वो तुम्हारा लॉगिन आईडी याद रखना है, और मैं ये एक बार बता रहा हूँ सारे बच्चे सुन लें, लॉगिन आईडी तुम्हें याद रखना है, हमने कुछ बना के भेजा लॉगिन आईडी, इफ यू वॉन्ट You can change. तुम्हें अपना आई डी चेंज कर सकते हो, सॉरी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तुम जब लॉग इन करोगे ना तुम्हें सारा चीज दिखेगा कि तुमने कितने टेस्ट दिए हो, उसमें क्या मार्क्स है, क्या पेपर है, कहाँ पे तुमने गलत किया था। तो साक्षी कह रहा था कि क्या हम टेस्ट पेपर सेव नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सेसिबल है टेस्ट पेपर तुम्हारे पास, किसी भी टाइम तुम लॉगिन करके देख सकते हो। इज इट क्लियर? क्या मैं उसको एक बार दिखा दूं? यस। बच्चों एक और सम लेते हैं जस्ट प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट को ओपन करेगा, मतलब इसमें बहुत परेशान मत होना और बहुत टफ टफ सवाल तुम्हें आएगा नहीं, आसान नहीं रहेगा जब हम लोग एप्लीकेशंस पार्ट में आएगा, बट हम लोग टफ के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये वाई दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है बच्चों, so सबसे पहले देखो कि ये कौन से फॉर्मेट पे सबसे पहले ब्रेक करें, कैसा है ये साइन के फॉर्मेट में, साइन वाला पहला है ना, बहुत ही बढ़िया, तो यही समझना है, तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट को पहले देखेंगे, साइन एक्स ये एंगल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी ऑफ सर कैमरा थोड़ा इधर टिल्ट हो गया है, क्या हो गया है,
टिल्ट हो गया, कैमरा इधर टिल्ट हो गया सर। नो सर, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में सर। वॉल भी दिख रही है सर, दीवार ज्यादा दिख रही है। हाँ सर, एक सेकंड। ओके So, देखना यहाँ पे साइन ऑफ जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पता ये क्या ई टू द पावर एक्स वाला फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। यहां देखो एक्स स्क्वायर है तो पहले किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, इनटू फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में। सो ये कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos e to the power x square into ये तो e to the power x square रहेगा 2x square का हो जाएगा 2x। सर हम इसमें e to the power x square के कॉमन ले सकते हैं, ये cos ये एंगल में कैसे कॉमन लोगे, ये एंगल में है और ये बाहर है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x e to the power x square into ये हो गया cos e to the power x square, this is an angle। इसको ऐसे बाहर नहीं ले सकते हैं जैसे cos theta से, theta बाहर थोड़ी आता है। So I hope कि क्लियर हो गया होगा। यज्ञेश ने कहा सर थोड़े टफ सवाल दे दो। यज्ञेश ये भी टफ ही था, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा जाता, तुम ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये फिर स्ट्रगल करते, बच्चे स्ट्रगल करते हैं। बाकी जो भी सवाल आएगा तुम कर सकते हो, हम लोग धीरे धीरे टफनेस बढ़ाएंगे। y is equal to ये दिया हुआ सर, लॉक के जो ई है, हाँ बेस ई है। dy upon dx निकालना है, ठीक है सर। a square constant है क्या, a is constant। एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसमें अब समझना है बच्चों कि यहां पे क्या करेंगे, d अपॉन d ऑफ log e a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यही रूट ऑफ लॉग एक्स वाला फॉर्मेट है। सर वीडियो ब्लर आ रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। देन डी ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट को लिख सकते हैं बच्चों पावर हाफ डिवाइडेड बाई
किसके रेस्पेक्ट में? डी ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में. एंड देन यहाँ पे स्पेस का मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स. ये कितना हो जाएगा सर? वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच. वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ, वन बाय रूट कौन सा फॉर्मेट है बताता हूँ. लॉग बेस ई एक्स लॉग का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में. एक्स यहाँ भी एक्स, वन बाय एक्स होता है. कुछ बच्चों का कंसर्न आ रहा है वीडियो पॉज का, फ्लक्चुएट करता रहता है इंटरनेट, तो हो सकता है थोड़ा सा वेट कर लो. सी हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी है रूट. एंड देन ये किस फॉर्मेट पे है? ऋषिका पांडे, ऋषिका पांडे बता सकती है कौन सा फॉर्मेट पे है? क्या ये बोला कि इस फॉर्मेट पे है? समथिंग का पावर और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो कितना होता है एन इंटू एन माइनस वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस वन. एंड For this, इसमें क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे. ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और ये माइनस साइन है. मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पे माइनस टू एक्स. सो ये टू और टू चला गया. So again, minus x upon a square minus x square. Sorry, last step नहीं समझ आया. कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. अब मैंने दे दिया y इज इक्वल टू दिस. अब इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करें? क्वेश्चन रूल है ना? सो ट्राई करो. इसमें अब बहुत सारी चीज होगा, चेन रूल भी लगेगा, क्वेश्चन रूल भी लगेगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में y is equal to ये दिया, दूसरा केस में y is equal to ये दिया, तीसरा में y is equal to ln, ln का मतलब log base e root sin x, और चौथा ये दिया, और एक पांचवा भी दे देता हूं. पांचवा थोड़ा डिफरेंट देता हूं, जो log का प्रॉपर्टी है. कुछ बच्चे log पढ़ रहे हैं, और मेडिकल वाले बच्चे यहां पर मैं कुछ बताऊंगा तो याद कर लेना. केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं था सर जे के लिए? नहीं, जे का आज एमए के साथ केमिस्ट्री का लेक्चर ले रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो वो तो स्वप्निल सर ने इन्फॉर्म किया होगा. एनीवे चलो यहाँ पे देखो,
इसको या तो कोशेंट रूल से कर सकते हो बच्चों, क्योंकि समथिंग बाय समथिंग है, या चेन रूल से भी कर सकते हो, दोनों से सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ इस क्वांटिटी को, अगर मैं चेन रूल यूज करा तो चेन रूल से बताता हूं, एक्स प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस वन, एक्चुअली वी कैन राइट दिस इन दिस वे, इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी यहां पे है समथिंग का पावर माइनस वन, इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं, डी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस वन, वी विल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द सेम टर्म, ये वाला टर्म, फिर डी अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां से आगे बढ़ते हैं, ये देखना माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन डायरेक्टली में लिख रहा हूं एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एन माइनस वन, तो माइनस टू था तो इसको ले आया नीचे, पचपन से पचास बच्चे हो गए अभी, अब देखना यहां से अभी सबसे पहले देखो ये दो फंक्शन समेशन में है इसको अलग अलग करना है, तो पहले x का तो हो जाएगा वन प्लस ये करना है d ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ये निकल गया, ये तो निकल ही गया, इसको करना है, यू नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन करोगे तो वन अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ये टू और ये टू चला जाएगा, सो ये वाला टर्म मैं लिखने रहा हूं, यहां पे ये टर्म आएगा ये वाला, फिर वन माइनस ये वाला माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना, ये और ये, यज्ञेश क्लियर? यस सर। साक्षी बताई से नहीं समझ में आया, साक्षी कहां से नहीं समझ में आया? So this step is clear. अब यहां से यहां तक देखो, ये तो वही लिखा, ये वन एज इट इज, स्टेप थ्री में सिद्धार्थ को दिक्कत है और कुछ बच्चों को, समेत को शायद, पावर हाफ है किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से यहां में शायद दिक्कत आ रही होगी, तो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं, मैं सोचा तुम लोग समझ जाओगे, सो मैं ये पार्ट सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी करा चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इस क्वांटिटी को पहले ये लिखेंगे,
इसका डिफरेंशिएशन बच्चों ये माइनस टू एक्स था, क्योंकि ये स्क्वायर का जीरो, ये माइनस और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो माइनस और टू एक्स, और इसका ये था पीयूष शिंदे. थर्ड स्टेप क्लियर. हितेश पाटिल क्लियर और नॉट? यस सर. सिद्धार्थ सोनावने यदेश ने कहा सर सारे सिंपल है प्रॉब्लम सर, वीडियो हो गया तो बहुत सिंपल लगता है, जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक तकलीफ आती है. So it is good thing कि तुम मेहनत कर रहे हो और इसलिए सिंपल लग रहा है. So ये कब था? थोड़ा सा ये हो गया, ये यहाँ पे बच्चों अभी क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा. So second sum. वो डिनोमिनेटर में पावर क्या है? थ्री बाय टू. सो क्वेश्चन रूल सबसे पहले मैं लगा देता हूँ सर, प्लस ए स्क्वायर का पावर थ्री बाय टू, तो स्क्वायर किया तो ये पावर थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू एज इट इज डिनोमिनेटर इन टू One. x का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ x जो कि 1 होगा. क्वेश्चन टू लगा रहे माइनस x एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2. ठीक है, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू एक्स का वन माइनस ये एक्स, और इसको कैसे करेंगे? तो ये समथिंग का पावर है, तो पहले इसी के रेस्पेक्ट में तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट. फिर से बच्चे पूछेंगे सर कैसे लिख रहे हो? थ्री बाय टू एन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू माइनस वन इन टू. एक स्टेप लिख देता हूं और इसको ऐसे कब लिखा? जब इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू एक्स के रेस्पेक्ट में होल डिवाइडेड बाय. ये निकल गया, ये निकल गया, ये तो आता ही है. कितना हो जाएगा? 2x a स्क्वायर का 0 एंड देन जस्ट सॉल्व इट. 3 बाय 2 माइनस 1 यह हो जाएगा हाफ. क्या मुझे आगे बढ़ना है कि हो गया? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो बस, जैसे रूट ये आएगा ये कॉमन ले सकते हो. कर लो ये कॉमन, मैं कर लेता हूं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो अपने. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा. कुछ बच्चे यहाँ स्ट्रगल करेंगे, माइनस ये टू, और यहाँ पे जब टू आएगा वो चला जाएगा, ये थ्री एक्स और ये यहां से एक्स, सिक्स एक्स का स्क्वायर,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू। जस्ट कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, बच्चे इसी को एंजॉय करते हैं, बट मुझे लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहां तक लिखना ये इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ये 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू थ्री। अब इतना बड़ा बोले तो मुझे भी नहीं, बीच में ये हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक समझ में आया लिखना, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे भी कर लो, जैसे मैंने ये लिख लिया। अब ये भी पावर यहां पे आ जाएगा, ये कर्स कैंसिल होगा। सर नेक्स्ट इज थर्ड सवाल। ln ऑफ रूट साइन एक्स, तो मैं इसको समझाता हूँ, पहले दो तरीके समझाता हूँ। एक तो लॉग का, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और आसानी से कर लेगा। मेडिकल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ln के, रूट ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, d ऑफ रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, ln रूट साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, d ऑफ dx ऑफ रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको क्या करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स बाय टू हाफ है अपॉन डी ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। और ये मुझे पता है, फिर से बहुत सारे बच्चे ये परेशान होंगे, समथिंग का पावर हाफ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वन अपॉन, अब मैं नहीं बताऊंगा, रूट टू साइन एक्स आ जाएगा, डोंट वरी, यहां से यहां आता है तुम्हें करने, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, कॉट एक्स बाय टू। अब यहां देखना, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया टू, तो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स। किसी ने बताया सर कॉट एक्स बाय टू, बहुत बढ़िया, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगा, कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे यहां पे होंगे, cot x होल डिवाइड बाय 2, मैं इसको मिटा रहा हूं। जिनको log का प्रॉपर्टी पता है, log जो भी बेस है x टू द पावर n, ये होता है, ये पावर जो है ना इधर आ जाता है n, this is property of log। इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ लिए होंगे ये, मेडिकल वाले कहीं नोट डाउन कर लो, इसको ये लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे सर यहां से तो बहुत आसान हो गया, ये रूट का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ है, क्या देगा, हाफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन साइन एक्स। जब ये लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बाहर, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये पहले ही हमने निकाला था, वन बाय साइन एक्स, और ये कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स।
सर बोलो ईशान सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हम दोनों साइड में लॉग ले सकते हैं किसमें सेकंड क्वेश्चन में हाँ ले सकते हैं उसमें भी उतना ही परेशानी आएगा बताऊंगा वैसे सवाल करने के लिए अभी जैसे मैंने समझाया क्वेश्चन टूल से वो करो वो भी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा लास्ट में कि दोनों लॉग लेकर के क्या फायदा होगा है ना मैं अभी नहीं बता सकता बिकॉज अभी हमने लॉग ने पढ़ा लॉग में बच्चे कंफर्टेबल नहीं है और वो भी उतना ही टफ वो बहुत आसान हो जाएगा ऐसा नहीं है वो भी ऐसा ही है नेक्स्ट इज फोर्थ d of dx of sine of ln x पहले किसके रेस्पेक्ट में ln x के रेस्पेक्ट में आई होप कि मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल ले लिया है फिर d of ln x का x के रेस्पेक्ट में sin x का हो गया cos ln x और ln x का हो जाएगा सिंपली 1 upon x हो गया cos ln x whole upon x फोर्थ सवाल कर दिया बच्चों किसी को डाउट है क्या इसमें फोर्थ में नो सर नो सर नहीं है और आया फिफ्थ सवाल फॉर द मेडिकल स्टूडेंट फिफ्थ सवाल लॉग टेन है लेकिन हमें तो लॉग बेस ई का आता है तो मैं एक बता रहा हूं फॉर्मूला लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू बेस चेंज कैसे कर सकते हैं मेडिकल वाले ये लिख लेना नोटबुक में लॉग में ऐसे कर सकते हैं यहां बेस ए है लॉग बेस ए सी इंटू लॉग अब हो जाएगा सी हो जाएगा बेस और ये बी हो जाएगा सो दिस एंड दिस आर इक्वल इनफैक्ट इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सर आगे का मतलब क्या हुआ यहां बी नहीं दे करके कुछ डी दे दिया फिर लॉग बेस डी ऑफ बी दिस विल कंटिन्यू सो मुझे लॉग टेन एक्स का चाहिए डिफरेंशिएशन तो इसको मैं लिखूंगा लॉग टेन बेस टेन ई इंटू log base ex so this is equal to this अब हम लोग क्या करेंगे d upon dx log 10x हालांकि सिर्फ log x लिखते हैं इसका मतलब 10 होता है बट मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर रहा हूं पहली बार बता रहा हूं log 10 e इंटू इसका कहेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया लॉग 10 ई अपॉन एक्स इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई ये लॉग ई लिखा मतलब बेस 10 है तो दिस इज कॉमन डाउट एक कॉन्सेप्ट आज ही हमने सीखा बच्चों ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग वाले बच्चे ये डाउट पूछते हैं बाद में इवन लॉग उनको आता है फिर भी
तो आज कम से कम ये सीखा तो कुछ तो नया सीखा। फिर से ये रिपीट करा, लॉग बेस ए ऑफ बी, इसमें बेस चेंज हम कर सकते हैं, लॉग बेस ए ऑफ समथिंग सी, कोई भी सी ले लिया, डी ले लिया, कुछ भी, इनटू फिर लॉग, यहां सी लिया तो ये सी नीचे आ जाए, फिर बी, ये फॉर्मूला होता है। ये तुम्हें याद कर लो, मेडिकल वाले इंजीनियरिंग वाले मैथ में सिखा दिए होंगे शायद। अब हमने कहा लॉग बेस 10 एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तुम्हें पता है लॉग बेस ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। पूजा तुम्हें नहीं पूरा समझ में आएगा बिकॉज तुम लेट ज्वाइन की हो, बट स्टिल कुछ चीजें तो क्लियर होगा। यस सर। यहाँ बेस 10 है, यहाँ पे चाहिए बेस e, इसको लिख लेंगे d/dx log बेस 10 e इंटू log बेस e ऑफ x। This can be written in this way from this formula। बच्चों ये constant है, differentiation का rule पढ़ाया था, constant बाहर, log base 10 e into इसका differentiation होता है 1/x, d/dx अब हट गया। एक और step लिखूं, तुम लोग महान बच्चों एक और step लिख लेते हैं। Anyone have any doubt?